मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज नीमच में आयोजित कार्यक्रम में 752 करोड़ की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन व लोकार्पण किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम बहुत ही जल्द पूरे प्रदेश में एयर एम्बुलेंस की सुविधा देने वाले हैं, जिसके माध्यम से गरीब आदमी भी जरूरत के अनुसार कम समय में अच्छे हॉस्पिटल तक पहुंच सकेगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी ने नीमच में स्टेडियम निर्माण, श्रद्धा स्थल भादवा माता में सर्व सुविधा युक्त अस्पताल एवं फिजियोथेरेपी सुविधा, नीमच की बंगला बगीचा से जुड़ी राजस्व समस्या का निराकरण किए जाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नीमच एयर स्ट्रिप का उन्नयन, मनासा कुकड़ेश्वर बाईपास, कुकड़ेश्वर में शासकीय महाविद्यालय, सिंगौली में स्नातकोत्तर कॉलेज, जावद में वर्तमान 40 बिस्तर अस्पताल का 100 बिस्तर अस्पताल में उन्नयन, रतनगढ़ सामुदायिक केंद्र का उन्नयन, जावद से मोरवन डबल रोड निर्माण किए जाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का नीमच में आयोजित जन आभार यात्रा के दौरान स्थानीय नागरिकों ने पुष्प वर्षा कर आत्मीय स्वागत व अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन के स्मार्ट सिटी कार्यालय में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, विक्रम उत्सव और विक्रम व्यापार मेले की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा है कि रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव अर्थात समिट के माध्यम से औद्योगिक विकास के लिए निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि उज्जैन में आगामी 1 और 2 मार्च को रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश में औद्योगिक विकास की अनेक संभावनाएं हैं, इन्हें साकार किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज उज्जैन स्मार्ट सिटी कार्यालय स्थित इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। प्रशासनिक अधिकारियों से सीएम हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायतों की जानकारी प्राप्त की एवं उनके प्रभावी निराकरण हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए।